हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं कक्षा के छात्र एवं छात्राएँ हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण आसान होगा। सबसे पहले आप सभी को ये जानना होगा कि कौन से परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आसान होता है। तो किसी भी परिमेय संख्याओं का हर का गुणनफल यदि 2n×5m होता है तो वह आपका दशमलव प्रसार शांत कहलाता है, अगर ये नहीं होता है तो अशांत कहलाता है। पहला ऑप्शन हम ए से चलते हैं, तो 7/30 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 30 का गुणनखंड करेंगे, तो ये होगा 5 × 10, 10 × 30 हो जाएगा जी, यानी 7/2 × 3×5 हो गया है। तो यहाँ पे 2 और 5 शांत होने के लिए आ तो गया है, लेकिन यहाँ पे 3 आने के कारण इस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन बी, सी और डी, ये सभी के सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत दशमलव हो जाता है। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। देखिए, अलग कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 3/5, और 3/5 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में दिया गया है 16/4, और 16 का वर्गमूल आप सभी को मालूम होगा 4 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 25/4 दिया गया है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया है 2/5, यह एक अपरिमेय संख्या है जो सबसे अलग है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 2/5। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं, और क्यू का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 1/2 कोई संख्या है, तो 1/2 ये P/Q के रूप में भी है, और क्यू का मान यहाँ पे 0 के मान के बराबर भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन से चलते हैं, पहला ऑप्शन में दिया गया है पाई, और दोस्तों याद रखिएगा, पाई की बात की जाए या π/2 या π/3, ये सभी के सभी संख्याएँ अपरिमेय संख्या के कहलाती है। ऑप्शन बी में दिया गया 7/√7, और 7/√7 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया 16/25, और 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 हो जाता है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, जो P/Q के रूप में भी है, और क्यू का मान यहाँ पे 0 के मान के बराबर नहीं है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी, 16/25। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि 5 एक संख्या है, यानी 5 किस प्रकार की संख्या है। पहला ऑप्शन में दिया गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या प्रकृति संख्या। आप सभी को बताया गया था कि कोई ऐसी अभाज्य संख्या जो रूट के अंदर हो, उसका वर्गमूल ना होता हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, ये सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों, अभाज्य संख्या का परिभाषा आप सभी को मालूम होगा कि कोई ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती है, ऐसे तमाम ही संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 8, 8 1 और 8 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित तो होता है,
9 भी होता है, इसके साथ साथ 15 भी होता है, लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया 11, और 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें जब भी भाग लेगा तो या तो 11 से लेगा नहीं तो 1 से लेगा। ये दोनों संख्याओं के अलावा कोई अन्य संख्या से इसे भाग नहीं लग सकता है, इसलिए क्वेश्चन 5 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 6 कहता है यदि बहुपद पी एक्स में दिया गया 2x³ + 6x² - 4x + 9 के 2 शून्यक का गुणनफल 3 है तो तीसरा शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जानिए कि यह जो बहुपद है ना जी, ये त्रिघात बहुपद है जिसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है, और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं जो होते हैं अल्फ़ा, बीटा होते हैं और एक गामा होते हैं। इसका फार्मूला -d/a होता है जी, ठीक है। अब माइनस डी का मान करेंगे तो ये हो जाएगा -9, और डी का मान क्या करेंगे 2, और एक तो शून्य के यहाँ पे 3 दिया गया है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये 3 × 9 ये 3 मरते कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा -3 और नीचे हो जाएगा 2, -3/2। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद भी इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स में दिया गया है x² - x + 4 के शून्यक है तो α, β, तब α + β का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुपद के 2 शून्यक दिया गया है, एक रैखिक समीकरण भी दिया गया है x² - x + 4, तो हमसे पूछा गया है कि α + β का मान क्या हो जाएगा। देखिए α + β का फॉर्मूला -b/a होता है ना जी, तो b का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और यहाँ पे ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस मिलकर ये +1 हो जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए a का मान भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 1 में 1 भाग यदि लगा भी देते हैं तो प्राप्त संख्या हमारा 1 ही होता है, इसीलिए क्वेश्चन 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 8 में पूछा गया है यदि y = x²-3x - 4 के ग्राफ क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया गया वृत्त होगा या एक सरल रेखा होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है परवलय होगा, और ऑप्शन डी में दिया गया है परवलय का खुला मुंह नीचे की तरह होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें जब इस रैखिक समीकरण का यदि आप ग्राफ खींचेंगे ना तो यह एक परवलय रेखा के रूप में इसका ग्राफ आता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 काफ़ी ही सिंपल है, कहता है कि रैखिक बहुपद ax + b का शून्य क्या हो जाएगा। काफ़ी ही सिंपल है, आइए जान लेते हैं इसका शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों दिया गया ax + b, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax = b को दर्जा करिए -b हो जाएगा। यदि हम केवल x - b लिख दें तो ए जो आप यहाँ पे गुना में देख पा रहे हैं बराबर की उधर जाकर ये गुना से भाग में हो जाएगा, यानी शून्य का मान -b/a हो जाएगा, और -b/a ऑप्शन बी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब -b/a होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। यहाँ पे एक फिगर में ग्राफ दे दिया गया है और कहता है कि px में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए शून्यकों की संख्या काउंट आप कैसे करेंगे, तो जितना बार ये रेखा x को काटी होगी यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो एक रेखा x को यहाँ पे काट रही है तो दूसरा यहाँ पे काट रही है, तो 1 और 1 होता है 2, अतः इसमें शून्यकों की संख्या हमारा 2 हो जाएगा। है दोस्तों पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा गया है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। दोस्तों याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था और इनके द्वारा छापा खाना मशीन का आविष्कार किया गया था, और इन्होंने सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई किए। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा बाइबिल। अगला सवाल क्वेश्चन 26 कहता है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था। याद रखिएगा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कैक्सटन था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कैक्सटन।
आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे बड़ा तोहफा है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये उनका सबसे बड़ा तोहफा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि रूसो जो था यह फ्रांस का दार्शनिक था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने छात्र एवं छात्राओं को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब बी यानी रूस होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की जो शुरुआत थी वो चीन में हुआ था, क्योंकि कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले चीन में हुआ था। मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में एक और सवाल पूछे जाते हैं जहां पे आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहां हुई थी, तो याद रखिएगा प्रथम पेपर मिल की स्थापना भी चीन से ही हुई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ा दी। दोस्तों याद रखिएगा कि चीन देश की ही सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की यानी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी। उसके बाद में अगला सवाल 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। अभी अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले चीन में हुआ था, यहीं पे सबसे पहले कागज़ का आविष्कार भी हुआ था और यहीं पे सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना भी की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, टेनमेंट्स किया था। दोस्तों याद रखिएगा टेनमेंट्स एक काम चलाऊ मकान हुआ करता था, यानी काम चलाऊ मकान को ही टेनमेंट्स के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी। आप सभी को बता दें सन 1853 ईस्वी की बात है जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, और ये कहाँ से कहाँ तक भारत में सबसे पहले रेल चली थी, तो मुंबई से थाने तक चली थी। याद रखिएगा वह रेल अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाई गई थी। कहते हैं न जी कि भारत में अंग्रेज अगर भारत को गुलाम बनाया था तो बहुत सारे ऐसे ऐसे विकासात्मक कार्य करके गए हैं। ये रेल पटरी जिसे हमें कहीं पे आने जाने में काफ़ी ही ज़्यादा सुविधा होती है, काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, तो ये देन भी अंग्रेज़ों की ही है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लंदन के पोडिंगटन और फेरियन स्ट्रीट के बीच में एक जगह था, वहीं पे सबसे पहले भूमिगत रेल बनाई गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनाई गई थी। इसके लिए आपको मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में चार ऑप्शन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। दोस्तों याद रखिएगा सन 1863 ईस्वी की बात है जब सबसे पहले भूमिगत रेल बनाई गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 35 कहता है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। पहला ऑप्शन में दिया गया है एबेनेजर हार्वर्ड ने, विलियम नेपोलियन तृतीय, डी में दिया गया है होम्सन ने। दोस्तों आप सभी को बता दें गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हार्वर्ड के द्वारा ही विकसित की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 36 कहता है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है। आप सभी को बता दें बात है 1887 ईस्वी नवंबर माह के रविवार की, जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के महल की ओर जा रहे थे, जिन पर जार के सेनाओं को ऐसा लगा कि तमाम जनता बागी होकर सरकार का विरोध करने के लिए
आ रही है। तो ऐसे में जार की सेनाओं ने रूस के तमाम जनता पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसाने लगी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर शारीरिक रूप से घायल हो गए थे। यह घटना पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि सन 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, सन 1898 ईस्वी की बात है जब सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों याद रखिएगा, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदान करने वाला, वोट देने वाला मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़ है। याद रखिएगा कितना है जी, 71 करोड़ है। एक और सवाल मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं कि भारत में मतदाता होने के लिए यानी मत देने के लिए, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो ये होता है 28 वर्ष होनी चाहिए। एक और सवाल मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर के लिए महत्वपूर्ण है कि विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वाला देश कौन सा है, यानी विश्व में वो कौन ऐसा देश है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब भारत हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 कहता है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है? पहला ऑप्शन में दिया गया है अपने क्षेत्र से अलगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता। डी में दिया गया है अलगाववाद। दोस्तों याद रखिएगा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम को अलगाववाद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अलगाववाद कहते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अलगाववाद। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यानी भारतीय लोकतंत्र के मार्ग में जो सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा बन के सामने आती है वो क्या है? पहला इसमें दिया जाता है लोकतंत्र में आस्था, जो कि बिल्कुल गलत है, और शिक्षा, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति। आप सभी को बता दें कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी चुनौती और शिक्षा है। यानी शिक्षा के अभाव के कारण ही लोग ना ही अपने अधिकारों को जान पाते हैं और ना ही अपने अधिकारों का सही उपयोग कर पाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 41 कहता है, दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? आप सभी को बता दें कि दुनिया के लगभग 1/4 हिस्सा ऐसा हिस्सा है जहां पे अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/4 हिस्सा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? आप सभी को बता दें, भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये होते हैं सरकार के 3 अंग। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है? पहला ऑप्शन में दिया गया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में दिया गया भारत, सी में है अमेरिका, डी में है इनमें से सभी। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आखिर ये चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जहां पे लोकतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है। देखिए, ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, ये सभी में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देख लीजिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी को बता दें कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना ही प्रधानमंत्री, सांसद और ना ही उपराष्ट्रपति करते हैं। आप सभी को बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति।
अगला सवाल क्वेश्चन 45 कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है। पहला इसमें दिया जाता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सी में दिया जाएगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आप सभी बता दें कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप सभी को बता दें कि सुंदर लाल बहुगुन्ना और चड्ढी प्रसाद यादव के द्वारा ये चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन से जुड़े लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मारकर भगा दिया करते थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ को बचाना और पर्यावरण की सुरक्षा करना था। तो क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा, पेड़ काटने के विरोध में यह आंदोलन यानी चिपको आंदोलन चलाई गई थी। अगले सवाल कहता है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। देखिए पहला इसमें दिया गया जाति तथा उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन किसानों की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। आप सभी को बता दें कि दलित पैथर्स के कार्यक्रम में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये है जाति प्रथा का उन्मूलन। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। आप सभी को बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता को महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से जाना जाता है, और अभी राकेश जो टिकैत किसान सभा का अध्यक्ष बना हुआ है ये भी महेंद्र सिंह टिकैत का ही पूर्वज माने जाते हैं। उसके बाद में है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था। आप सभी को बता दें कि ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश प्रांत से शुरू हुआ था, जहां की महिलाएं आस पड़ोस के तमाम मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रहे थे। यह आंदोलन देखते ही देखते पूरे प्रदेश में फैल गया, जिसके कारण स्थानीय निकाय में आंध्र प्रदेश के तमाम महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ था। ये दोस्तों आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है, यानी वह कौन ऐसा हार्मोन है जिसे आपातकाल का हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रिनलिन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिए अनैच्छिक क्रिया कहेंगे तो उल्टी होना, अत्यधिक लार निकलना और दिल का धड़कन, ये तीनों एक ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि इस पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन चबाना एक ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं बल्कि ऐच्छिक क्रिया है, चाहे तो आप चबा सकते हैं या नहीं चबा सकते हैं। तो क्वेश्चन 62 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी, चबाना। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। आप सभी को मालूम होगा कि मनुष्य का जनन यानी प्रजनन 9 महीना के बाद ही होता है, और जब 9 महीना को 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 270 दिन हो जाएगा। यानी मानव में गर्भ की जो अवधि होती है वो 270 दिन होती है। क्वेश्चन 63 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 263। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 64 को देख लीजिए कि गंगा एक्शन प्लान कब हुआ था। आसान शब्दों में कहें तो गंगा सफाई योजना का जो कार्य हुआ था ये कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 64 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1985 में। एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा कि गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। उसके बाद में पूछा जाता है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी गंगा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 65 को देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। देखिए मुकुलन द्वारा जो जनन है वो हाइड्रा और ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन में हाइड्रा तो नहीं दिया गया है, लेकिन ईस्ट ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जी, ईस्ट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 66 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी वह कौन ऐसा बीमारी है जिसका संबंध श्वसन तंत्र से होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया गया डायरिया, और डायरिया का जो बीमारी जो है यह पेट से संबंधित होता है, श्वसन तंत्र से संबंधित होता नहीं है। लेकिन टीबी को देखिएगा, टीबी एक क्षय रोग है, ट्यूबरक्लोसिस होता है इसका पूरा नाम, जिसका हिंदी अर्थ क्षय रोग होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक वायरस के द्वारा
टीबी होता है। और टीबी का जो संबंध होता है वो श्वसन तंत्र से होता है, क्योंकि टीबी जिस भी इंसान को होता है उसका सबसे पहले श्वसन क्रिया को ही उस पर असर पड़ता है और श्वसन क्रिया को बाधित कर देता है, जिससे मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टीबी का जो संबंध है वो श्वसन तंत्र से है। उसके बाद में आइए अगला सवाल 67वां सवाल को देखते हैं कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य की बात की जाए या मनुष्य के साथ साथ कोई भी मांसाहारी जो जीव जंतु है वो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो प्रोटीन का पाचन आसान तरीके से कर पाते हैं, वसा का भी पाचन आसान तरीके से कर पाते हैं, लेकिन सेल्यूलोज जो होता है इसका पाचन मनुष्य के साथ साथ सभी मांसाहारी जीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेल्यूलोज। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 68 को देख लीजिए कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। देखिए जितने भी मनुष्य होते हैं जिनका ब्रेन हैमरेज हो जाता है उसका मेन टेंशन जो है मेन कारण होता है वो हाइपरटेंशन होता है। एग्जाम पेपर में आपको हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा हाइपोटेंशन नहीं बल्कि हाइपरटेंशन होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जी, हाइपरटेंशन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 69 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। यहाँ पे परजीवी पादप का उदाहरण की बात करेंगे तो कस्कुटा ऑप्शन बी में दिया गया है, यही एक होता है परजीवी पादप का उदाहरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन 69 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, कस्कुटा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 70 को देखिए कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए हृदय से खून को पूरे शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है, तो आलिंदों के द्वारा किया जाता है। पिछले वाले पार्ट में हम आप सभी को बताए थे कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, एक होता है दया आलिंद दया नीलय, तो तीसरा होता है बाया आलिंद और चौथा होता है बाया नीलय। दया आलिंद दया नीलय बाया आलिंद और बाया नीलय, तो आलिंदों के द्वारा ही हृदय से रक्त संपूर्ण भागों में पंप किया जाता है पहुंचाया जाता है। अगला सवाल कहता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना था कि अलैंगिक जनन किस में होता है, तो ईस्ट और मुकुलन में हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि हो जाएगा जी, तो मुकुलन हो जाएगा, क्योंकि मुकुलन में क्या होता है कि हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसका शरीर से मुकुल निकल आता है और मुकुल को टूटकर दूसरे यानी अन्य जीव का निर्माण करता है, इसमें मुकुलन विधि होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 72 क्या कहता है कि जनन संचरित रोग है, यानी ये चारों ऑप्शन में कौन ऐसा रोग है जिसका संबंध जनन से होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। आप सभी को मालूम होगा कि एड्स एक ऐसा रोग है, AIDS होता है, और इसका पूरा नाम भी लिखने के लिए मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो HIV वायरस के द्वारा होने वाला एक लैंगिक जनन संचरित रोग है। अब HIV का पूरा नाम क्या होता है आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए H से होता है ह्यूमन, I से होता है इंडिफिशियंसी, अब ही से होता है वायरस, यानी ह्यूमन इंडिफिशियंसी वायरस यह होता है एड्स का वायरस, यानी एड्स बीमारी होने वाला एक वायरस का नाम है HIV। अब यहाँ पे सवाल एक आता है कि आखिर एड्स का इलाज बड़े से बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक क्यों नहीं निकाला गया। देखिए मनुष्य का जो शरीर है बहुत से बड़े पावर का जो दवा है वो 1400 डिग्री सेल्सियस तक मनुष्य के शरीर किसी भी दवा को सह सकता है। 1400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान वाला दवा यदि मनुष्य के शरीर में दिया जाएगा तो मनुष्य के शरीर में आग लग जाएगा और मनुष्य का शरीर जलकर इंसान को मार देगा। तो एड्स का जो कीड़ा है, एड्स का जो वायरस है एच आई वी जो है 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी नहीं जलता है, यही कारण है कि आज तक इसका इलाज करना संभव नहीं हुआ है। तो जनन संचरित रोग कौन सा है, तो सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगले सवाल क्वेश्चन 73 को देखिए कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। देखिए पुष्प के सबसे बाहरी भाग को हम लोग बाह्य तलपुष कहते हैं और पुष्प में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, मादा जनन अंग को स्त्री केसर या जियांग कहते हैं।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है जी कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी की बात करेंगे तो ये बी डैश होता है जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बी पॉजिटिव यानी बी डैश। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है। देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन का हार्मोन करता है, तो ग्लूकागोन, गैस्ट्रिन और सोमेस्टोरिन, ये दोनों के तीनों के तीनों गलत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा C6H12O6 होता है जिसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मौजूद होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 76 कहता है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप का मतलब होता है छोटे छोटे जो भी कीट या जीव होते हैं, इसमें कौन सा वृद्धि करने के लिए जो हार्मोन सहायक होता है उस हार्मोन का नाम क्या है जी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पादपों में वृद्धि करने के लिए जो हार्मोन सहायक होता है वो जिब्रेलिन होता है जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 77 को देख लीजिए कि हार्मोन स्रावित होता है। देखिए हार्मोन का जो स्राव है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, तो बाहस्रावी ग्रंथि इनमें से कोई नहीं और नालिका से सभी के सभी तो गलत हो जाएगा। हार्मोन का स्राव जो हो जाएगा वो अंतःस्रावी ग्रंथि से हो जाएगा। उसमें 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 78 कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। देखिए मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, याद रखिएगा मनुष्य के मुख गुहा में यानी मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जी। उसके बाद में कहता है कि एंड्रोजेम है। देखिए एंड्रोजेम क्या है, हालांकि मैट्रिक एग्जाम पेपर में एंड्रोजेम ना बल्कि एंड्रोजेन देता है। तो एंड्रोजेन क्या है, तो पहला समय देता है कि मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस है या पाइराइथाइड हार्मोन है। देखिए एंड्रोजेन एक मेल हार्मोन होता है यानी यह एक पुरुष हार्मोन होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन 80 क्या कहता है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। आप सभी को मालूम होगा अनुवंशिकता एवं जैव प्रकर्म का जो चैप्टर है अनुवंशिकी अनुवंशिकता, तो उसमें अनुवंशिकी अनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना गया है और इन्होंने प्रयोग करने के लिए मटर के बौने पौधों का चयन किया था। तो किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों का चयन किया था, तो मेंडल ने किया था। सवाल पूछा जाएगा कि अनुवंशिकी अनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आसान से आंसर दे दीजिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें कहकर मैथ एंड मैजिक टिप्स एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम लोग अलग अलग विषय के टीचरों के माध्यम से लाइव क्लास बहुत ही जल्द चालू करने वाले हैं, जहाँ पे 10वीं कक्षा का क्रैश कोर्स की तैयारी काफ़ी आसान तरीके से कराई जाएगी, जहाँ पे आप तैयारी करके एग्ज़ाम पेपर में 400 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा 70 क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।